देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 41 मैं सिर्फ 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा। बेटा Z1 Z2 और टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ए Z1 है बेटा, बी Z2 है, सच दैट एंगल AOB इज गिवन टू बी अल्फा। बेटा ये ए Z1 है, ये आपका ओ, ये आप चेक करें बेटा, ये बी Z2 है, दिस एंगल इज गिवन टू बी अल्फा। बेटा क्या कहना चाह रहा है, Z1 Z2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, Z² + PZ + Q = 0। बेटा Z1 Z2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसका ये मतलब हुआ Z1 + Z2 आपका बेटा बनेगा -P। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, Z1 × Z2 कितना है आपका बेटा Q। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, P² / Q की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब बेटा P² / Q, P² का मतलब क्या बन जाएगा, Z1 + Z2² और ये आपका Z1 × Z2। आप चेक करके देखो बेटा, स्क्वायर एक्सपेंड करो, इट विल बिकम Z1 / Z2 + Z2 / Z1 + 2, राइट। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर आपका Z1 Z2 इसके रूट हैं, सच दैट OA, ये हमारा पॉइंट कल मिस हो गया था बेटा, ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, राइट। सबसे पहले मैं Z1 को लेता हूँ, RE/I θ, तो Z2 क्या होगा बेटा, Z2 का मतलब OB कैन बी ऑब्टेन बाय रोटेटिंग Z1 थ्रू एन एंगल अल्फा, तो Z2 बनेगा Z1 × this, राइट। तो आप चेक करो बेटा, व्हाट इज Z1 / Z2, Z1 / Z2 आप लिखोगे, ये बेटा बनेगा 1 / e^i θ, ये बनेगा e^i α+2, तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, e^iα है cos α + iβ sin α, cos α + iβ sin α, ये आपका बेटा बनेगा cos α - iβ sin α, प्लस कितना बच्चे, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, 2 कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया, 2 cos α + 2, 2 कॉमन, 1 + cos α होता है 2 cos² α/2, ये बेटा बन जाएगा 4 cos². बेटा प्रॉब्लम नंबर 42 भी मैंने करके देखी है, ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, मैं करवाना चाह रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, लेट अस सी। बेटा थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π, मैं क्विकली कर रहा हूँ, आप आराम से समझ लीजिए, सुन लीजिए बस। बेटा Z1 Z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट दे आर कोलिनियर एंड 1 + mod sin θ Z1 mod cos θ -1 × कितना आपका बेटा Z2 -√2Z3 = 0। बेटा क्या कहना चाह रहा है, Z1 Z2 Z3 कोलिनियर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। एटलीस्ट वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉन जीरो, बेटा कम से कम एक आपका नॉन जीरो है, तो थीटा की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 0 to 2π। अब इस प्रॉब्लम को आराम से समझे बच्चे, बेटा पहली चीज तो मैंने ये कर लिया, Z1 Z2 Z3 अगर कोलिनियर हो और आप A Z1 + B Z2 + C Z3 को 0 लिखें, तो कंडीशन बेटा क्या होती है, A + B + C should be 0। बेटा दोबारा सुने, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर, राइट, देन एंड वी कैन राइट A Z1 + B Z2 + C Z3 = 0, तो बेटा A + B + C 0। यहाँ पर ए कितना है बच्चे, ए आपका है 1 + sin θ, इसको लिखेंगे 1 + mod sin θ, सेकंड लिखेंगे बेटा mod cos θ, ये बेटा रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और सी आपका है -√2 0, 1 1 बेटा कैंसिल्ड आउट, तो mod sin θ + mod cos θ = √2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बच्चे, आप स्क्वेयरिंग करोगे, मोड का स्क्वायर सिंपल स्क्वायर एक ही है, sin²θ + cos²θ, जब आप 2AB करेंगे तो बन जाएगा mod sin
टू थीटा इक्वल टू टू, तो इसका मतलब बेटा बन गया मोड। यहां तक बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हर्ष समझ में आया बेटा? बेटा आपके पास क्या बन गया आज? बेटा अटेंडेंस में 2 बार लूंगा आपकी, ये लगातार क्लास है, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। 2 बार आपकी अटेंडेंस होगी, मैनेजमेंट ने कंपलसरी कर दी अटेंडेंस आप लोगों की। देखिए साइन टू थीटा का मोड आपका 1 है। अब आपको ये देखना है कितने पॉइंट पे बेटा मोड 1 होता है। सोच के देखें, थीटा आपका लाई कर रहा है 0 से 1 2 पाई के बीच में, तो 2 थीटा बेटा वेरी करेगा 0 to 4 पाई। साइन टू थीटा का मोड 1, तो 2 थीटा इज 1 और -1 बच्चे। अब आप मुझे ये बताओ साइन 2 थीटा 1 कितने पॉइंट पे होगा बेटा? 2 पॉइंट पे होगा या 1 पॉइंट पे? बेटा जहां पर वैल्यू 1 या -1 आए, राइट, तो मेरे हिसाब से नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आने चाहिए? ये आपका बनेगा साइन 2 थीटा 1। तो 2 थीटा की वैल्यू, एक तो बेटा 90 डिग्री, एक आपकी आएगी बेटा 450 डिग्री, राइट। तो थीटा की बेटा 2 वैल्यूज आ गई। साइन 2 थीटा को बेटा मैं -1 करूंगा, -1, तो 2 थीटा की वैल्यू, एक बेटा आएगी 270, एक आएगी 630 डिग्री। चेक कर सकते हैं आप लोग, तो थीटा की आपकी 2 वैल्यू। पंकज आंसर कितना आ रहा है? 4 आंसर आ रहा है इसका। तो पंकज यस सर। मैंने आपको सिर्फ हिंट दे दिया, अगर Z1, Z2, Z3 कोलिनियर है, A Z1 प्लस B Z2 प्लस C Z3 का मो अगर 0 है, तो A+B+C आपका 0 होगा। दिस वाज गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट बेटा जो प्रॉब्लम आपको तंग करेगी, 43 भी एक बार मैं बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं इस प्रॉब्लम में। इसको मैंने दोबारा से सोचा बेटा, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है डिस्टिंक्ट, ओमेगा दे रखा है 1 माइनस t इंटू Z1 प्लस t इंटू Z2। नीचे आपका 1 है, 1 को लिख दिया 1 माइनस t प्लस t। बेटा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये A Z1 हो B Z2 हो, तो एक लाइन बेटा ये देखो, ए लाइन पासिस थ्रू t1 t2, वो आपकी क्या होगी? ये आपकी होगी बेटा A Z1 B Z2 ओवर A+B। अगर A+B 1 है, तो इसका क्लियर सा मतलब है ओमेगा इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो ये तीनों पॉइंट आपके बेटा कोलिनियर है। देखो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये ओमेगा है, तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया ओमेगा उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जहां ए और बी लाई कर रहे हैं। आप सोच के मुझे बताइए ए बी क्या होगा बेटा? अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, तो एक लाइन की प्रॉब्लम है, ए बी इक्वल टू AC+CB। ए बी का मतलब है मोड Z1 माइनस Z2, ए सी का मतलब मोड Z1 माइनस ओमेगा और प्लस मोड Z ओमेगा माइनस Z2। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक आ रहा है, राइट, तो ए करेक्ट है। एक ऑप्शन और भी है बेटा, जब ये तीनों कोलिनियर हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए सी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी। बेटा इसका मतलब ए सी का जो आर्ग्यूमेंट है वो ए बी का होगा। व्हाट इज ए सी? सी में से ये वाला घटाओ ओमेगा माइनस जेड वन, एंड व्हाट इज ए बी? बी में से बेटा ए वाला सबट्रैक्ट करो, Z2 माइनस कितना आपका? तो यहाँ पर ए और डी बेटा करेक्ट ऑप्शन है। 44 हमने कर लिया था, 45 आपका बच्चे किया है, बानो जरा 45 चेक कर। 46 हमारा हो गया था, 47 हो गया, 48 का सॉल्यूशन में दे रखा है, 45 आपका नई प्रॉब्लम है। ये मैं कर देता हूँ, जो मुझे लगता है आपको दिक्कत आएगी मैं अपने आप कर देता हूँ। 45 इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z^3/8 बेटा इक्वल टू 1/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z² प्लस Z^(Z^1/2। बेटा इसका आर्ग्यूमेंट 1/2 ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, तो कहना चाह रहे कौन सा ट्रू होगा? मोड Z=1, जेड आपका रियल, जेड इज प्योरली इमेजनरी, Z^(1/2, 1। सबसे पहले बेटा 2 को यहाँ शिफ्ट करो, ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z^(6/8। बेटा ये आपको मालूम है
एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पावर एन, राइट। ये आपका हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इंटू जेड पावर 1/2, राइट। ये आपका बेटा बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पावर 3/4 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर। बेटा ये आपका जेड स्क्वायर प्लस इसका आर्ग्यूमेंट इसके इक्वल हमें गिवन है जेड पावर 3/4। ये आपका बेटा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इंटू जेड पावर 1/2 है ना आपके पास। इसको बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर है 1/2। एक मिनट, अगर मैं 1/2 को यहां ले जाता तो क्या बनता, ये बनता जेड पावर 1। अच्छा ये बन जाता जेड बार जेड पावर -1/2। एक मिनट जरा मैं आपको बताता हूँ 1/2। सुनो ये प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी, एक बार क्या करें, एक मिनट जरा बेटा मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम को दोबारा से। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पावर 3/8 इक्वल टू 1/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, इसको बेटा 2 शिफ्ट करके 2 ऊपर ले गए 6/8, 3/4 बन गया। कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा है बेटा क्या क्लू है, एनीवन इन द क्लास क्विकली, ये मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो गया है। कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को अभी थोड़ा पेंडिंग करें, आगे हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बेटा प्रॉब्लम नंबर 50 आसान है बट इसका आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा। देखो जेड हमें गिवन है, अभी मैं बता दूंगा आपको ये वाली प्रॉब्लम। बेटा कोई बच्चा क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, सुन लीजिए आप लोग कैसी बोल रहा हूं मैं। और जेड आपको ना आपके नंबर आ रहे हैं ना आपका जो है पेपर दे रहे हैं, और घर पे बैठ कर सारा दिन फिर भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे। बेटा जेड दे रखा है √3/2 -i/2, आईटा कॉमन लीजिए, -1/2 -√3/2 आईटा, ये बेटा होता है ओमेगा स्क्वायर। तो जेड हमें दे रखा है आयटा ओमेगा स्क्वायर, जेड पावर 95 माइनस आयटा पावर 67 इज गिवन टू बी जेड पावर एन। बेटा जेड आपका निकल चुका है, आप इसमें सबसे आयटा पावर 67 का मतलब आयटा पावर क्यूब, आयटा क्यूब होता है माइनस आयटा, इसमें पुट करके देख लेना आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनिए बच्चे, प्रॉब्लम नंबर 51 चेक करना। 51 बेटा, 51 में आपको बता देता हूँ तीन प्रॉब्लम ये है। लेट मी टेल यू, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन जेड ओवर जेड बार प्लस जेड बार ओवर जेड इक्वल टू बेटा 1 एंड मोड जेड इक्वल टू 1। बेटा ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मोड जेड बाय जेड बार इक्वल प्लस जेड बार ओवर जेड इक्वल टू 1 और जेड का मोड भी 1 हो, राइट। और थीटा आपका जो आर्ग्यूमेंट है बिलोंग कर रहा है 0 to 2 pi। लेट मी टेल यू, देखो मोड जेड इक्वल टू 1 है तो जेड को मैं ले सकता हूँ ई पावर आई थीटा, यहाँ पर आइए ई पावर आई थीटा जेड बार ई पावर माइनस आई थीटा, ये बन गया ई पावर माइनस आई थीटा ओवर ई पावर आई थीटा। ये बहुत आसान प्रॉब्लम हो चुकी है बच्चे, ये बेटा बनेगा ई पावर 2i थीटा ई पावर -2i थीटा इक्वल टू 1। ये बेटा होगा कोस 2 थीटा प्लस आईटा साइन 2 थीटा, इट इज कोस थीटा माइनस, तो ये बेटा बनेगा 2 मोड 2 कोस 2 थीटा इक्वल टू 1, मोड कोस 2 थीटा इक्वल टू बेटा 1/2। बेटा मोड कोस 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अब मेरे को ये बताइए कोस 2 थीटा की वैल्यूज कितनी होंगी बेटा, आइदर 1/2 और -1/2। थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to 2 pi के बीच में, तो 2 थीटा लाई कर रहा है 0 to 4 pi। बेटा 4 2 थीटा लाई, अब आप चेक करो बेटा कोस ऑफ एंगल आपका 1/2 है, एक तो आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट में एक फोर्थ में, नेगेटिव के लिए 2 वैल्यू, तो 1 to 4th क्वाड्रेंट में 4 आंसर। अब आपका दोबारा इसको सर्कल रोटेट करेंगे तो 4,
तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8 होंगे। पंकज आंसर चेक कर, ये बेटा आसान प्रॉब्लम थी, 52 हो गई, 52 बेटा एक लाइन की प्रॉब्लम है। अल्फा इज गिवन टू बी, अल्फा आपका नॉन रियल है एंड दिस इज गिवन टू बी बेटा फिफ्थ रूट ऑफ 1, तो अल्फा पावर 5 इक्वल टू कितना आपका 1 बेटा, अल्फा आपका नॉन रियल रूट है राइट। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, आप इसको ऐसा कर सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 पावर 1/5, तो एक्स पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन के रूट है 1, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड अल्फा क्यूब 4। बेटा आपको ध्यान होगा आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, तो रूट होते थे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, इनके रूट का सम बेटा कितना होता है इफ यू रिमेम्बर, ये सम आपका बेटा हमेशा 0 होता है, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0 राइट। अब क्या कहना चाह रहा है, फाइंड 2 पावर मोड ऑफ मोड ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा पावर माइनस 1। बेटा मैं इसको और अच्छे सोल्व करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप समझे अल्फा पावर 5 इक्वल टू 1 है, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा अल्फा क्यूब, तो अब अल्फा पावर माइनस 2 को लिख दिया बेटा अल्फा क्यूब, अल्फा की माइनस 1 का मतलब अल्फा 4। अब आप चेक करो बच्चे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब कितना बनेगा, माइनस अल्फा पावर 4 माइनस अल्फा पावर 4 माइनस 2 इंटू अल्फा पावर 4 राइट। अब अल्फा पावर 4 आपका निकल गया ये वाला सम पावर ये वाला, तो 2 पावर मोड माइनस 2 अल्फा पावर 4 राइट, ये आपका बनेगा 2 पावर 2 मोड अल्फा पावर 4। बेटा जो भी nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं सबके मोड 1 होते हैं, तो अल्फा का मोड बेटा 1 होगा, तो 2 पावर 2 इंटू 1 पावर 4, तो आंसर इसका 4 आएगा। इसको दोबारा वीडियो में देख लेना, अच्छी प्रॉब्लम थी बेटा। प्रॉब्लम नंबर 53 में एक मिस्टेक है, कोई बच्चा मिस्टेक बता सकता है, द एंगल दैट द वेक्टर बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/√3-1, जबकि ये √3-1 नहीं है, √3 i है। बानू क्या कहता है बेटा, यहाँ पर 1 गिवन है, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा आयटा, ये कहना चाह रहा है the angle which this vector makes with positive direction of x-axis is k, इस vector का x-axis angle k है, तो कहना चाह रहा है k into 12/π की value निकालिए, क्या निकाला है k into 12/π की value। अब आप चेक करो बेटा इसको, बेटा √3-1 है ना आयटा, इसको मैं आयटा कॉमन लेके 2 आयटा कॉमन ले रहा हूं, ये बन गया -1/2 -√3/2 आयटा। चेक करना बच्चे, मैं ओमेगा फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, चेक करो बिल्कुल ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये बेटा ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया 2 आयटा ओमेगा स्क्वायर, ये बेटा बन गया 2 आयटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 25, 2 पावर आपका 25, आयटा के 25 होता है बेटा आयटा, क्योंकि आयटा 4 1 होगा, आयटा का 50 क्या होगा बेटा, ओमेगा की पावर 50, ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये आपका बन जाएगा राइट, ये बेटा बन गया 1/1/ आयटा का मतलब बेटा माइनस आयटा, 1/ ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा, इफ यू रिमेम्बर आयटा का मतलब होता है ई पावर आयटा बेटा पाई बाय 2, ओमेगा का मतलब होता है ई पावर 2π/3 आयटा, ध्यान करना, और माइनस 1 का मतलब होता है ई पावर आयटा पाई। चेक करो बच्चे, ये बन गया 1/25 बेटा पाई बाय 2 प्लस 2π/3 प्लस पाई, ये बेटा 6 एलसीएम आ गया, ये बन गया 3π
4π प्लस 6π, ये बेटा आंसर बन जाएगा 13π। इतना बन गया, व्हाट आई अज्यूम, चेक करो बच्चे, ये बन गया 13π/6। ये बेटा हमें दे रखा है k, तो कहना चाह रहा है k इंटू 12π, ये आपका आ गया 13π/6। गलती ना हो बेटा इसमें, ये पाई पाई कैंसिल हो गया। चेक करना बेटा आंसर कितना आ रहा है पंकज, क्या 26 आ रहा है? चेक कर रहे ना, मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा। तो बेटा यहाँ पर गलती मैंने आपको बता दी, इट इज √3-1, नहीं है √3-8, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम पे बेटा मैं आता हूँ, ये प्रॉब्लम भी आपको समझनी पड़ेगी। 54, इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 1, बेटा इसको मैं सोल्व किया तो ये बन गया x²-x+1=0। तो एक्स विल टेक टू वैल्यूज, -ओमेगा एंड -ओमेगा² राइट। बेटा पी, लेट मी टेक एक्स इक्वल टू -ओमेगा ले लिया बेटा हमने, पी गिवन है x^4000 + 1/x^4000। बेटा इसकी 4000 पावर, नेगेटिव पावर आपकी इवन तो 1 होगी, ओमेगा की 4001, बेटा 3999 की वैल्यू ओमेगा के लिए 1 होगी, 1/ओमेगा ओमेगा² तो बेटा पी आपका बन गया ओमेगा + ओमेगा² विच इज -1। अब देखो जो क्या कहना चाह रहा है, 2^2n, बेटा 2^2n में जो यूनिट डिजिट है वो क्यू है, n>1। बानू क्या किया बेटा, जरा रिप्लाई करो, प्रवेश सपना करो बच्चा विशाल, बेटा 2^2, ये तो अलजेब्रा की प्रॉब्लम हो गई रियल नंबर की। बेटा 2^2n में जो यूनिट डिजिट होता है वो आपका क्यू होता है, क्यू इज गिवन टू बी यूनिट डिजिट इन 2^2n n>1। बेटा मैं जहां तक ले रहा हूँ, एन को मैंने 2 ले लिया, लेट अस सी, ये बन गया 2^4, यूनिट डिजिट कितना होगा बेटा 6। अब आप कहोगे सर एन को आपने 4 क्यों नहीं लिया, एन को 3 क्यों नहीं लिया, एन को मैं बेटा 3 ले लेता हूँ, सपोज 3 ले लिया, ये बन गया 2^2, 2^8 राइट। 2^8 का मतलब 2^4, 2^4 यूनिट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो पीछे हमेशा 6। व्हाट आई मीन टू टेल यू बेटा, 2^2 एंड कोई भी सोल्व करो, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्यू ही आएगा, और क्यू किसके इक्वल होगा 6। तो पी बेटा -1 है और क्यू आपका 6 है, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू बेटा कितनी बन गई 5। पंकज आंसर चेक करना, जल्दी जल्दी करो आंसर चेक। यही है सर। ठीक है, तो बेटा ये आपको देखो मैंने पेपर पूरा कर दिया, सेकंड पेपर में आ रहा हूँ। कोई बच्चा क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, ये सारी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है और इनके सॉल्यूशन आसान नहीं है, कल मैंने खुद सोल्व किए पहले सोल्व सारे, और वो मैं करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट बेटा मैं पेपर पे आ रहा हूँ, आपका जो पेपर नंबर आपका 2 है, पेपर 2 क्या प्रॉब्लम नंबर 37 हो गया, मुझे लग रहा हो गया होगा, उसमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 38 आप लोग आसानी से कर सकते हो, मैं बताना चाह रहा हूँ 39, थोड़ा नंबरिंग की गड़बड़ है, जो 41 आपका लिखा हुआ है 37 है बेटा। यहाँ जो प्रॉब्लम नंबर 39 है, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसमें भी कंफ्यूजन है। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोर जेड -3 -2 आयटा लेस देन इक्वल टू 2, बेटा यहाँ पर क्या है, जेड उस सर्कल के या तो इंटीरियर में लाई कर रहा है या बाउंड्री पे, सेंटर आपका बेटा 3,2 है, दिस पॉइंट इज 3,2 एंड रेडियस आपका 2, क्या ये ठीक है बच्चे? बेटा सेंटर 3,2, रेडियस आपका कितना है, आपका 2,
राइट। अब क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z-6+2i? बेटा पहले तो 2 कॉमन लीजिए, ये बन गया z-3+i। मैं इसको जस्ट देख के चल रहा हूं बेटा, ये आपकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, राइट। अब इसको आप क्या लिखें, z-3-2i+3i। बेटा आईटा को लिख दिया -2i+3i, ये बेटा आपका लेस देन इक्वल टू, ये होता है मोड फर्स्ट। आई डू नॉट नो कि आंसर ये किस टाइप से मिलेगा, ये बेटा लेस देन इक्वल टू 2 है और 3i का मोड 3। पंकज आंसर क्या 12 आ रहा है, बट यह तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, आपने क्या दिखा दिया मोड 2z। अरे कोई बच्चा रिप्लाई करे, मैंने ये लेस देन इक्वल टू 12 आ गया। कोई भी चीज लेस देन इक्वल टू 12 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 12, बट हमें तो क्या निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या निकालनी है मिनिमम वैल्यू। अब आप इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए ऑप्शन क्या है जरा चेक करना बेटा पंकज, ये आपका है जो 43, 39, आंसर 2 आ रहा है एक्चुअली। 2 कैसे आएगा मिनिमम वैल्यू, अगर मैं सर्कल की बात करूं बेटा ये क्या होगा, ये मोड 2z-6-2i, राइट। अब आप इसको बेटा ये ग्रेट, मैं इसको लिख दूं 2z-3-2i। ये आपका है 2i+6i, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा मैं कर सकता हूं आ गया बेटा आंसर आपका। बेटा आप क्या करो मोड z1-z2 क्या जानते हैं आप लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z1-mod z2, राइट। बेटा इसको मैंने z1 ले लिया, इसको नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये बेटा नेगेटिव है बट मोड नेगेटिव का वही होगा 6i का मोड 6। बेटा आप चेक करो मोड z-3-2i लेस देन इक्वल टू 3 बाय लेस देन इक्वल टू 2, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ लगा रखा इन्होंने। ये आपका 2x2 बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब इस पूरे का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, आंसर बेटा ऐसे आएगा। दोबारा समझाऊं पंकज, वेद प्रकाश, अंजलि, बेटा मैंने क्या किया, इसको लिखा 2 कॉमन ले लिया, 2x z-3-2i, राइट, +6i, इसको z1, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 6i-2x this, ग्रेटर देन इक्वल टू पहले का मोड माइनस दूसरे का मोड, अब इस पूरे का मोड लेस देन इक्वल टू 2 है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आपका -2 नहीं आना चाहिए। गड़बड़ है मिनिमम मैक्सिमम में, चेक करना, ये आपने ले तो लिया इसको बेटा एक बार चेक हम कवर करेंगे, चलिए कोई बात नहीं आगे चलते हैं। बेटा प्रॉब्लम नंबर 40 पे आए आप लोग, 40 में कोई दिक्कत नहीं है, 2n i इज इक्वेशन के रूट्स है, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। 41 में करवा देता हूँ, आसान प्रॉब्लम है, जेड बार इक्वल टू आईटा जेड स्क्वेयर, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड को ले लीजिए बेटा एक्स प्लस आईटा वाई, इट विल बिकम एक्स माइनस आईटा वाई, ये बेटा बन गया एक्स प्लस आईटा वाई स्क्वेयर, राइट। बेटा अगला आपके दो चैप्टर आ रहे हैं,
पंकज रिप्लाई करो बेटा। अब दोनों चैप्टर की बेसिक आपको बताया जाए, क्या करें बताओ, चलो बताओ।